नाजरीन आदाब, कुछ लम्हे फुर्सत के आपके साथ गुजारने एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट खुशबू। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हम ख्वातीन को वो सलाहियतें देकर भेजा है कि हम जितनी भी परेशानियों से गुजर जाएं, हर सिचुएशन को हैंडल कर ही लेती हैं, अपनी तकलीफ़ों को दबाकर फिर हर किसी के सामने खिलखिलाती हंसती मुस्कुराती नज़र आती हैं। और अक्सर हम अपनी परेशानियों में इस कदर बेजार हो जाती हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या करें। हर तरफ उदासी छा जाती है और कई बार ये उदासी डिप्रेशन की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। भाई, किसकी ज़िंदगी में परेशानियां नहीं होती? बस यही बात सोचकर आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। अपने टैलेंट को निखारिए, पहचानिए और एक मुकाम हासिल कीजिए। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं और नज़र डालते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी पर। ऐसा कहा गया है कि ज़िंदगी किसी के लिए भी बहुत आसान तो नहीं है। ज़िंदगी अपने साथ अपनी मुसीबतें लेकर ही आती है, पर हम उसको कैसे पार करके आगे बढ़ते हैं वो एक अच्छे इंसान का वो एक बताता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं। सो बचपन में, क्लास 5 में थी जब पहली बार मेरी टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बताया कि आपकी बेटी के साथ पक्का कुछ परेशानी है उसको देखने में। ये नहीं पता कि तब तक क्यों धीरे धीरे करके, ऐसा कहा जाता है कि विजुअल इम्पेयरमेंट, आँखों की परेशानी डिट्यूरेट होती है, वैसी नहीं रहती हमेशा। तो बचपन से ही था मेरे साथ ये सिचुएशन और धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा कम हुआ कि देखने में, लोगों को पता लगने में वो समय लग गया। या तब तक एक्चुअली उम्र इतनी छोटी थी कि घर वालों को महसूस नहीं होता था, लगता था कि बच्चा शैतानी कर रहा है, चीज़ों को पास से देख रहा है, पढ़ना नहीं चाहता इसीलिए उतना अटेंशन नहीं दे रहा, टीवी पास जा के देख रहा है। क्या था वो तो एक मिस्ट्री ही है, बट बहरहाल पेरेंट्स को पता लगा और मैं भगवान को जितना भी थैंक्स करूं, मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूं जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत बहुत सपोर्ट किया, बहुत सहारा दिया, किसी भी टाइम पे किसी भी मुकाम पे अकेला नहीं छोड़ा। दुनिया के किसी कोने के डॉक्टर, हकीम, वैद, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, पूजा पाठ, किसी भी चीज़ को मेरे पेरेंट्स ने नहीं छोड़ा। जो सुने, जो लोगों ने उन्हें बताया, जो वो नहीं भी कर सकते थे उन्होंने वो भी किया। पर उस सब में शायद सिर्फ बचपन ख़त्म हो गया। मेरे पास सब कुछ होते हुए, इतना सपोर्ट होते हुए, इतनी मदद होते हुए, अपने घर की तरफ से, अपने जान पहचान वालों की तरफ से, मैं कुछ नहीं कर रही। छुट्टियां ख़त्म करते ही मैंने सबसे पहले एक ऐसी संस्था में पहुंचने का निश्चय कर लिया था जो मुझे ब्रेल सिखाएगी और मैं आगे पढ़ूंगी। उस लिए मैं पहुंची नैब और उन्होंने मुझे काउंसिल भी किया, बताया कि ब्रेल की जगह अगर मैं कंप्यूटर चलाना सीखूं टॉकिंग सॉफ्टवेयर की मदद से तो मैं ज़्यादा जल्दी सब सीख सकती हूं। और क्योंकि मैं खुद ये चाह रही थी कि मैं उम्र बतानी नहीं चाहिए, बट मैं 33 साल की थी जब मैं वहां पहुंची, तो मेरे को ऐसे डेफिनेटली अब लग चुका था कि मैंने बहुत बहुत समय बर्बाद कर दिया है, मैं जितना जल्दी कुछ कर लूँ वो अच्छा है। मैंने तब कंप्यूटर चलाना सीखने लगी। पहले जब मैं यहाँ पहुँची, क्योंकि उनके पास उस समय बैच में मेरे लिए जगह नहीं थी, तो वो मुझे उन्होंने पर मैंने ये सोच लिया था कि अगर मैं आज वापस चली गई तो मेरे लिए फिर कुछ नहीं है वापस, और मैं वो अपने साथ नहीं करना चाहती थी। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे अपने बैच में जगह मत दो, आपकी जो हेल्पलाइन डेस्क है मैं वहीं पे बैठ जाती हूँ, और आपके पास जब समय हो, जिसके पास समय हो वो आके मुझे थोड़ा सिखा दे, मैं उसको प्रैक्टिस कर लूँगी, फिर आके मुझे सिखा दे।
अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरी डेडिकेशन देखी या वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। 3-4 दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि हमारे बैच में एक जगह खाली है, आपको उसमें एंट्री चाहिए। और बस देर वॉज नो लुकिंग बैक। उसके बाद मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया। मैं जिस बैच में बैठती थी सीखने के लिए, मेरे साथ जितने भी बच्चे थे वो सब 12वीं पास करके अलग अलग शहरों से आए हुए थे, क्योंकि वो कंप्यूटर सीख के और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस साल अप्लाई करना चाहते थे ग्रेजुएशन के लिए। मैंने भी चुपके से फॉर्म भर दिया ग्रेजुएशन का, ये सोच के कि मेरे पास 1 साल पूरा है, मैं प्रैक्टिस कर लूँगी, अगर तो मैं कर गई तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर मैं नहीं करी तो इनमें से कोई तो वैसे भी मुझसे दोस्ती नहीं करेगा, तो आई विल नॉट हैव, मैं किसी से सिर्फ अपने आप से ही शर्मिंदा होंगी, किसी और को कुछ नहीं पता चलेगा। पर जब करने की इच्छा होती है तो समहाउ मेरे को ऐसे लगता है कि हर चीज़ आपके लिए रास्ते बनाने लगती है अगर आपने अपने में निश्चय कर लिया है। जी मैंने उस साल ओपन स्कूल से ग्रेजुएशन शुरू करी, और उसी साल के कुछ महीने बाद मुझे एक नौकरी की भी ऑफर आई, ऐसी ही एक संस्था में जहाँ पे स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए काम किया जाता है। उन्होंने मुझे कहा कि आप बच्चों के लिए काम कीजिए, और तब से आज तक पढ़ाई भी चल रही है। ग्रेजुएशन हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, मास्टर्स किया, और आज 7-8 साल हुए हैं मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे। रोज़ यही सोच के आती हूँ कि जिस जगह ने मेरी ज़िंदगी बदली, मुझे इस लायक बनाया कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकती हूँ, जी मेरे को इस लायक बनाया कि मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकती हूँ, अपने भाई बहनों के लिए बड़ी बहन की तरह उनको सपोर्ट कर सकती हूँ। तो मैं बहुत खुशी से, आई एम लाइक वेरी ग्लैड कि ये चल रहा है सफ़र, और रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करने को मिलता है जिससे पता चलता है कि दूसरों की ज़िंदगी में कैसे हम चेंज ला सकते हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जुंजा की बार आपका हो जाए। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। हम ख्वातीन जिनकी फितरत में ही होता है सबकी केयर करना, तो अगर बात हो हमारे बुजुर्गों की तो उनकी केयर में कैसे कमी छोड़ सकती हैं? तो आइए चलते हैं और जानते हैं किस तरह हम बुजुर्गों के दांतों की केयर कर सकते हैं और उनके दांतों की उम्र को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए एक बार फिर चलते हैं डॉक्टर रचिता के पास। एक बार फिर हम आ चुके हैं डॉक्टर रचिता के पास। रचिता जी, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। ये देखा जाता है जैसे बच्चों में एंजाइटी होती है यहाँ डेंटिस्ट के पास आने की, वैसे ही बुजुर्गों में भी ये देखी जाती है, तो कैसे आप उसे डील करते हैं? बुज़ुर्गों में भी एक ट्रीटमेंट को लेकर एन्जाइटी होती है अगर वो पहले डेंटिस्ट के पास नहीं गए हैं, या उनका पहले डेंटल ट्रीटमेंट का कोई ट्रॉमा है या अच्छा नहीं रहा है, तो उनमें भी एक एन्जाइटी होती है। बुज़ुर्गों की एन्जाइटी का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एज़ दी एज, उनकी बहुत सारी फिज़िकल जो मोबिलिटी होती है वो कम होती चली जाती है, उनके अंदर हियरिंग प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, विजन दिक्कत हो जाता है, तो वो डिपेंडेंट बन जाते हैं। तो वो जल्दी से किसी को कह नहीं सकते हैं कि उनके अंदर ये एंजाइटी, हम कैसे बोलें, हम कैसे कहें, उन वो हमारे पास अगर आएंगे उनको सुनाई नहीं देता, समझ कम है, कहीं उनको अल्जाइमस डिजीज़ होता है, याद नहीं रहता, हम कुछ बताएंगे वो जाकर अपने बच्चों को क्या बताएंगे, तो उनमें एक अलग तरीके की एंजाइटी होती है। तो जैसे बच्चों के साथ माँ बाप आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बुज़ुर्गों को भी, उनके बच्चे, उनके पोते पोतियाँ, या अगर वो नहीं आ सकते तो मतलब कोई साथ में आए जो ट्रीटमेंट को समझ सके, तो उससे क्या होता है उनको भी लगता है कि हमारे साथ कोई आया है, उनको भी एक सहारा बना रहता है। उनको ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करना, ट्रीटमेंट की आउटकम एक्सप्लेन करना और बाद में कैसे ध्यान रखना है,
रीइंफोर्स करना पड़ता है, तो वो अगर आते हैं तो हमें उनके ट्रीटमेंट करने में आसानी रहती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारी एंजाइटी पेशेंट्स को बिकॉज ऑफ मेडिसिंस भी रहती है, वो ऐसी ऐसी दवाइयाँ लेते हैं, उनका मेडिसिन का एक अपना शेड्यूल होता है जो उनको फॉलो करना होता है। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई बुज़ुर्ग आ रहा है तो उसको कैसा माहौल मिले, हम उनसे बात करें, उनसे उनकी पहले सुने। बुज़ुर्गों को क्या होता है कि हमारी सुनो पहले, उनको लगता है मेरी कोई सुने, तो आप एक पर्सनल टच उनके साथ पहले डेवलप करो ताकि वो आपको सारी बात बता सके, खुल के बता सके अपने ट्रीटमेंट को। उनकी सहूलियत से उनकी हम अपॉइंटमेंट्स का टाइम ऐसे रखें जिस टाइम पे वो किसी को साथ ला पाएँ, उनको ऐसा समय दें जिस टाइम पे उनकी दवाइयाँ और उनका शेड्यूल भी डिस्टर्ब ना हो। तो उनके मुताबिक आप अगर उनकी अपॉइंटमेंट्स रखते हो, उनके मुताबिक जिस पेस से वो चलना चाहे, मतलब जल्दबाजी ना करके, अगर वो एक अपॉइंटमेंट में थक जाते हैं, बहुत देर तक मुंह खोल के नहीं रख सकते हैं, कईयों को चलने में दिक्कत है, तो हमारे पास लिफ्ट का प्रोविज़न हो कि ताकि आप व्हील चेयर पर भी अगर आ रहे हैं तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर आपके क्लिनिक में बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग आते हैं तो सारे जो आपके टॉयलेट्स हैं वो बुज़ुर्ग फ्रेंडली होने चाहिए, आपका एम्बियंस जो है वो ऐसा हो कि बुज़ुर्ग आकर वहाँ पे कंफर्टेबल माहौल उनको मिले, उनको अच्छा लगे, और आपका स्टाफ ऐसा हो जो उनको एक रिस्पेक्ट और उनकी चीज़ें समझ सके जी। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं अगर हमें बुज़ुर्गों की एंजाइटी, अगर उनको एक घर जैसा ही माहौल मिलेगा जिसमें वो कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, अपनी दिक्कत बता सकते हैं, तो वो उनके लिए कंफर्टेबल रहता है। तो कहा भी जा सकता है कि उस एनवायरनमेंट को इस तरीके से बनाया जाए कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो कंफर्टेबल फील करें। तो अगर हम बात करते हैं डेंटल हेल्थ की, तो किस तरीके से डेंटल हेल्थ ओवर है और जो हमारी हेल्थ होती है उस पर कैसे असर करता है? तो डेंटल हेल्थ हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जी। देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो आप अगर एक डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हैं तो वो आपको बताएगा कि आप ये अपना, जैसे हम उनको देखकर बता सकते हैं कि शायद आपके मसूड़ों में पस है, आपके दांत ढीले हो रहे हैं, तो शायद आपको डायबिटीज़ की शिकायत है। कई बार खून निकलता है मसूड़ों में से बहुत ज़्यादा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं दिख रही, तो आप अपना एक बार खून की जांच करवा लीजिए। कई बार ओरल कैंसर्स है और बहुत सारी स्किन रिलेटेड एलर्जीज़ होती हैं जो ओरल कैविटी में विजिबल होती हैं, तो ऐसी बहुत सारी हैं चीज़ें जो हम ओरल कैविटी को देखकर, तो ओवरऑल हेल्थ हमारी ओरल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। फिर माउथ इज़ अ प्लेस, आप सारा अपना खाना यहीं से खा रहे हैं हर समय, अगर ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपका न्यूट्रिशन जो है उतना अच्छा नहीं रह पाएगा, आप खाने को अच्छे से चबा नहीं पाएंगे, अगर अच्छे से खाना चबाएंगे नहीं तो पेट की दिक्कत शुरू हो जाएगी। वो बहुत कॉमनली हम अपने बुज़ुर्गों में देखते हैं कि उनको कब्ज़ की शिकायत रहती है क्योंकि वो खाना अच्छे से चबा ही नहीं रहे। अब खाना अच्छे से क्यों नहीं चबा रहे, क्योंकि दांत ही नहीं है खाना चबाने के लिए, तो वो ओवरऑल हेल्थ, न्यूट्रिशन कम हो जाता है, मल्टीपल विटामिन्स आपके हैं, मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी को मिल ही नहीं रही खाना प्रॉपर तरीके से खाने के लिए, तो उनकी डाइट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो बिल्कुल सॉफ्ट डाइट पे शिफ्ट हो जाएंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जिससे ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये सब चीज़ें नहीं लेंगे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। प्लस उनकी ओवरऑल हेल्थ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, कईयों को देखिए बोन्स की दिक्कत है, अर्थराइटिस की दिक्कत है, तो उनके हाथ चलते नहीं हैं, जबड़ा अच्छे से खुलता नहीं है, तो उस वजह से वो दांतों की सफाई नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को, सारे एंगल्स को हम एनालाइज़ करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और हम क्या बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं, तो ओवरऑल हेल्थ पे इफ़ेक्ट आता है अगर हमारी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है। वही एक कहावत आ जाती है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो किस तरीके से हम जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके दांतों की पहले से ही, शुरुआत से ही जो है उनका ध्यान रख सकते हैं? तो ध्यान हम कैसे रखेंगे कि हमें दो बार ब्रश करना ही करना है। अगर हमारे बुज़ुर्ग बहुत अच्छे से मैनुअल ब्रशिंग नहीं कर पाते तो हम उनको इलेक्ट्रिक ब्रश देते हैं ताकि उनके लिए ब्रशिंग आसान हो जाए। ब्रशिंग छोड़नी नहीं है, उंगली से ब्रश नहीं करना, दांतों से ब्रश नहीं करना है, आपको प्रॉपर सॉफ्ट ब्रश, छोटा ब्रश ले लीजिए ताकि आप अच्छे से सारे दांतों को दिन में 2 बार 2 मिनट के लिए आपको ब्रश करना ही करना है। फिर हम उनको कहते हैं कि अगर आप कभी ब्रश रह गया तो माउथ वॉश सजेस्ट किया जाता है ताकि उनकी ओरल हेल्थ मेंटेन रहे। फिर माउथ वॉश के साथ वो नमक पानी का हम उनको कुल्ला भी सजेस्ट करते हैं अगर उनको पायरिया की दिक्कत है। फिर फ्लॉसिंग है, फ्लॉस करें दांतों के बीच में कुछ फंसा हुआ ना रह जाए। फ्लॉस हमारा कुछ ऐसा होता है जो हमारे दांतों के बीच में हमें सफाई करने में हेल्प करता है।
दांतों के बीच में गैप है तो हम इसको फ्लॉस से क्लीन कर सकते हैं, जहाँ भी उनके गैप्स है वो इसको फ्लॉस कर सकते हैं। या आप उनको सामने एक शीशा लीजिए, उनको करके दिखाइए, अपने सामने उनसे करवाइए, ताकि आप उनको एक बार अपने सामने करवाएंगे तो उनमें भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि घर जाकर उनको कैसे करना है। अगर गैप ज़्यादा है दांतों के बीच में तो आप इन दांतों के एड्स होते हैं, इसको हम इंटरडेंटल ब्रश बोलते हैं, तो इस एड से आप उनके दांतों को बताइए कि वो कैसे क्लीन रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है जिससे वो अपने दांतों की सफाई रख सकते हैं। ऐसा एक वाटर फ्लॉसर भी आता है जो हम यूजली इम्प्लांट पेशेंट्स में, जो पेशेंट्स बहुत अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते हैं, उन सबको सजेस्ट करते हैं कि आप ये वाटर फ्लॉसर लीजिए। इसमें पानी और हवा दोनों आते हैं, प्रेशर से अगर कहीं कहीं खाना फंसा हुआ है तो वो सफाई हो जाती है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है उनकी ओरल हेल्थ को, ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। फिर जैसे कि मैंने बताया, जब इम्प्लांट पेशेंट्स हैं या हमारे कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे होते हैं, एंजाइटी की दिक्कत होती है, तो वो रात को जब सोते हैं उनको दांतों को कटकटाने की आदत होती है, तो उससे क्या होता है उनके दांत बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं और दांत कई बार फ्रैक्चर भी हो जाते हैं। तो उस केस में हम उनको नाइट गार्ड्स भी देते हैं। एक ट्रांसपेरेंसी ट्रे होती है जो हम उनको कहते हैं कि आप ये नाइट गार्ड पहनिए रात को सोते हुए, तो वो एक चीज़ होती है प्रिवेंशन की। फिर उनको बोलिए कि अगर वो डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ वाली दवाई आप ज़रूर लीजिए, ताकि आप जो अपनी ओरल हेल्थ है, क्योंकि अगर वो शुगर कंट्रोल रहेगी तो वो आपके मसूड़ों को कम से कम नुकसान पहुंचाएगी। तो वो बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल है तो आपकी ओरल हेल्थ अच्छी रहेगी, और अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी है तो इंसुलिन कंट्रोल अच्छा हो जाता है। ये हमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो सोचते हैं कि ओरल हेल्थ का क्या इससे लेना देना, बट इससे बहुत फ़र्क पड़ता है जी। ठीक है, तीसरी चीज़ और एक क्या है कि आप जैसे एंटी हाइपरटेंसिव लेते हैं और एंटी एंजाइटी की जो दवाइयाँ लेते हैं, उससे जो हमारी लार होती है वो कम हो जाती है, सलाइवा प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली पानी पीजिए। बहुत सारे सलाइवरी सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, तो उससे कुल्ला करिए, नींबू थोड़ा सा लीजिए जिससे सलाइवा ज़्यादा बने। तो ये सब चीज़ें हैं कि उनका सलाइवा बनता रहेगा तो उनको मुंह सूखा नहीं लगेगा, उनको डेंचर चिपकेगा नहीं, होंठ चिपकेंगे नहीं, उनकी कैविटीज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगी। कैविटी जो रूट केरीज़ मैंने आपको बताई थी, मैं बहुत कॉमन है, तो वो सब चीज़ों को हमें देखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको हम बताते हैं कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, सलाइवरी सब्स्टिट्यूट्स लीजिए, क्योंकि मेडिसिन तो देखिए स्टॉप हो नहीं सकती, पर मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमको ओल्ड पेशेंट्स में उसको काउंटरैक्ट करना होता है कि आप इसको ये सब चीज़ें करिए। तो जब आपके पास एक ओल्ड पेशेंट आ रहा है तो उससे आपको सारी हिस्ट्री लेनी होती है कि आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, पहले कोई सर्जरी हुई है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको उनसे पूछनी होती है कि आपके इतने समय में किसी चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं है किसी दवाई से, क्योंकि बहुत चीज़ों में हमें उनको सुन का इंजेक्शन भी देना पड़ता है, जो एल ए देना पड़ता है, तो कई पेशेंट्स उससे एलर्जिक होते हैं। कई पेशेंट्स को सल्फा ड्रग एलर्जी होती है, किसी कुछ एंटीबायोटिक सूट नहीं करती हैं, कुछ पेशेंट्स को एंटीबायोटिक लेते ही और तरह की दिक्कत होने लगती है, कुछ को पेन किलर सूट नहीं करते हैं। तो ये सारी डिटेल्ड हिस्ट्री जो है हर पेशेंट में लेनी चाहिए, पर ये हिस्ट्री जो है आपको, अगर आपके पास एक 50-60 से ऊपर की आयु का एक व्यक्ति आ रहा है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको लेनी ज़रूरी होती हैं। कभी कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, फेशियल ट्रॉमा तो नहीं हुआ, मतलब हर चीज़ की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको आगे गाइड करती है, पेशेंट का एटीट्यूड समझने में आपको बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो पेशेंट को आप समझा सकते हैं कि आगे आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आप अपनी ओरल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें फॉलो करिए डेली रूटीन में। शुगर का पेशेंट दवाई तो लेता ही है, ऐसे जिसको दांतों की दिक्कत है उसको ब्रश तो करना ही है, तो अगर दिक्कत है तो उसका निवारण, तो उसका क्योर जो है उसमें तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी डाइट में हमें ऐसा क्या इंक्लूड करना चाहिए, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कम करनी चाहिए ताकि जो उनके दांतों की जो हेल्थ है, जो उम्र है वो बढ़ सके? हमारे बुज़ुर्गों को भी एक अच्छी खुराक की ज़रूरत है। अगर उनके दांत नहीं है कुछ समय के लिए, जब तक वो नहीं लगवा पा रहे, तो उनकी डाइट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। सॉफ्ट डाइट देंगे, पर हाँ, सॉफ्ट में भी सब कुछ आना चाहिए। दाल रोटी सब्जी मिक्सी में पीस कर दीजिए, उसको ग्राइंड कर दीजिए। फल सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी आप चर्न करके
कद्दूकस करके या मिक्सी में जो उससे खा पाएँ, जिससे उनके अंदर न्यूट्रिशन की किसी भी विटामिन मिनरल्स की कमी ना आए। अगर वो विटामिन डी की कमी है तो उसके आप कैप्सूल्स उनको दीजिए। तो इस तरीके से उनकी डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्या नहीं करना चाहिए? यस, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा नहीं, शराब से थोड़ा सा परहेज़ रखें, क्योंकि इन सब से भी क्या होता है कि माउथ का जो पीएच है वो चेंज हो जाता है और ड्राई माउथ की समस्या हो जाती है। पान मसाला, स्मोकिंग से ओरल कैंसर्स की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और एक पौष्टिक आहार एक बुज़ुर्ग के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हर आम इंसान के लिए ज़रूरी है। तो उनको उनकी डाइट में हर चीज़ प्रॉपर अमाउंट में दीजिए, ताकि उनके अंदर किसी भी तरीके की कोई कमी ना आए। बस ये कर सकते हैं उनकी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर इनटेक उनकी थोड़ी कम रखिए। अगर वो हाइपरटेंसिव है तो उनकी डाइट में सॉल्ट इनटेक कम रखिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, तो ताकि उनकी एक ओरल हेल्थ अच्छे तरीके से वो रख पाएँ और आप भी उनका ख्याल पूरे अच्छे तरीके से रख पाएँ। रचिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम सभी को इतनी अच्छी और नई जानकारियाँ दी। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे नाज़रीन और हमारे बुज़ुर्ग अपने दांतों का बेहद अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद करती हूँ बेहद पसंद आया होगा और आप इससे फैज़ियाब भी हुए होंगे। आप हमारे ये प्रोग्राम डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन पर जाकर हमें अपनी राय ज़रूर भेजें। अगली मर्तबा फिर होगी मुलाकात एक नए शुमारे के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।